ये थी INS करांज, इंडियन नेवी की तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, और इस पूरी वीडियो में हम इस सबमरीन के बारे में ही जानेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको StudyIQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स, ऑल SSC एंड बैंक कोर्सेज आर अवेलेबल हेयर, यू कैन हैव अ लुक। उसके अलावा UPSC ऑप्शनल की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज हैं, UPSC प्रीलिम्स के लिए भी कोर्सेज हैं, और मेंस के GS पेपर के लिए भी हैं, स्टेट PCS, डिफेंस एग्जाम्स, वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे इस वेबसाइट पे studyiq.com। विजिट दिस वेबसाइट और यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, नेवी की तीसरी स्टेट ऑफ द आर्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन तैयार हो चुकी है। इसका नाम है INS करांज। इसको लॉन्च किया था चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लानवा। अभी के लिए ये हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एज ऑफ 2 फरवरी 2018। आगे जाके ज़रूर अपडेट रहिएगा। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो इनकी पत्नी ने इसको लॉन्च किया था, एक कुछ बोतल तोड़ते हैं इस पर, एंड ये एक नई सबमरीन है। हालांकि INS करांज नाम की सबमरीन इंडियन नेवी में पहले भी थी, एक बहुत ही शानदार सबमरीन थी हमारी, जिसने 34 सालों तक हमारी देश की सेवा करी थी, फ्रॉम 1969 टू 2003, और इसने 1971 की जो डिसाइसिव वॉर थी अगेंस्ट पाकिस्तान उसमें एक अहम भूमिका भी निभाई थी। तो इसको डीकमीशन कर दिया था 2003 में, मगर इसके नाम को अब पुनर्जीवित कर दिया है। INS करांज लौट चुका है एक नए रूप में, एक नई क्लास में, स्कॉर्पियन क्लास में। ये जो क्लास है बेसिकली टाइप होता है सबमरीन का। जो हमारे पास पहले INS करांज थी वो कलवारी क्लास की थी, उनकी अलग डायमेंशंस होती है, अलग वेट होता है, अलग बिल्ड होती है। स्कॉर्पियन क्लास ओवरऑल अलग बिल्ड में बनती है, तो ये स्कॉर्पियन क्लास की है, मगर इसका नाम भी हमने INS करांज रखा है। अब टोटल हमारे देश को 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स मिलेंगी, 3 मिल चुकी है, ये तीसरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ये सब बन रही है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया में सबमरीन्स बनाई जाएंगी, ये स्कॉर्पियन क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स फ्रांस की सहायता से। तो इसको बना रहा है मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और इसका टोटल जो कॉस्ट है वो $3.75 बिलियन है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है, और नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस ऑफ कोर्स यहाँ पे सारा जो ओवरसी कर रहा है टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, और इवेंचुअली इंडिया को जो इस सबमरीन की टेक्नोलॉजी है वो भी दे दी जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। ये शुरुआत इसकी हुई थी 2005 में, मगर उम्मीद की जा रही थी कि 2018 तक सारी सबमरीन्स डिलीवर हो जाएंगी, मगर इसकी डेडलाइंस एक्सटेंड होती रही हैं, और अब उम्मीद की जा रही है शायद 2022 तक हमको 6 की 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स मिल जाएंगी। अगर हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के बारे में बात करें तो ये नेवी की पहली मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन सीरीज है 2 दशकों में। इससे पहले हमने INS सिंधु शास्त्र ली थी रशिया से जुलाई 2002 में। ये आज भी सर्विस में है, और ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मॉडर्न क्लास है, मॉडर्न क्लास से मेरा मतलब है कि सबमरीन्स ओवर द ईयर्स ये डेवलप होती रही हैं। तो आज के टाइम में आप देखोगे रशिया में आपको किलो क्लास मिलेगी, अमेरिका में अलग क्लास होती है। तो ये जो लेटेस्ट जो मॉडर्न क्लासेस हैं उनकी सबमरीन्स हमारे पास नहीं थी, सिवाय इसके एक एक्सेप्शन के। अब जाके एक बहुत ही बड़ी मॉडर्नाइजेशन हुई है हमारी सबमरीन फ्लीट की, और हमारे पास 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स आने वाली हैं। अब इससे पहले आपने सुना होगा 2 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स लॉन्च हो चुकी है। एक थी INS कलवरी, ये सबसे पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी जो इंडिया में बनाई गई थी अंडर प्रोजेक्ट 75, और उसके बाद INS कंधेरी। अब ये INS करांज आ चुकी है, अब इसके बाद 3 और आनी है, क्योंकि टोटल 6 होंगी ना, 3 हो गई, 3 और बची हुई है। जो 3 और आनी है उनका नाम होगा वेला, वागिर और वक्शीर। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 6 सबमरीन्स होंगी उनमें से जो स्टार्टिंग की 4 हैं उनमें एयर प्रपल्शन सिस्टम नहीं होगा, जो बाद की 2 होंगी उसमें वो एयर प्रपल्शन सिस्टम लगाएंगे। अब ये होता क्या है, देखो पहली बात तो ये जो सबमरीन्स बन रही है अंडर प्रोजेक्ट 75 ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो एनरिच्ड यूरेनियम से चलता है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, और काफ़ी लंबे समय तक वो पानी के नीचे रह सकती है, बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है। वेरस ये जो सबमरीन हम बना रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट 75 ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी, थोड़ी आवाज़ करती है,
इवेंचुअली इसको सतह पे आने की भी जरूरत है, ये कई महीनों तक पानी के नीचे नहीं रह सकती। तो एक नई टेक्नोलॉजी आई थी फॉर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, उसका नाम है एयर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। तो वो जो आखिर की दो सबमरीन होगी, वागीर या वक्शीर या फिर वेला या वक्शीर, इनमें से एक सबमरीन, इनमें से दो सबमरीन को ये मिलेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना। इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि ये जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम वाली जो सबमरीन होंगी वो पानी के नीचे ज़्यादा लंबे समय तक रह पाएगी। अब देखो, सबमरीन का सारा खेल ये है कि वो पानी के नीचे रहेगी, तो पानी के नीचे उसको हमेशा छुप के रहना है। अगर सबमरीन की लोकेशन पता लग जाए तो सबमरीन से ज़्यादा डिफेंसलेस चीज़ कोई नहीं है। हालांकि आज के टाइम में सबमरीन्स में एंटी टॉर्पीडो मिसाइल्स भी आ गए हैं, मगर वो 100% इफेक्टिव नहीं होते। और अगर मान लो जैसे इंडिया ने रिसेंटली अभी एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट खरीदा है पोसाइडन, अगर पोसाइडन की नज़र में एक सबमरीन आ जाए तो वो उसको डुबा के ही छोड़ेगा, वो बच नहीं सकती। तो सबमरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेल्थ पर फोकस करे। स्टेल्थ का मतलब है कि वो बहुत ही साइलेंटली आगे बढ़े, ज़रा आवाज़ ना करे, रेडार में ना आए। और इन जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का काम यही है कि ये रेडार से बच के रहे। यहाँ पे काफ़ी काम किया गया है इस पर, एक तो एडवांस्ड एकोस्टिक साइलेंसिंग पे काम किया है। ये होता है जो सबमरीन के अंदर से जो आवाज़ आती है, क्योंकि एक बड़ी एक मशीन है वो चल रही है और आगे बढ़ रही है तो वो आवाज़ भी करेगी, तो अंदर की आवाज़ को काफ़ी हद तक दबाने की कोशिश की जाती है, उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। फिर लो रेडिएटेड नॉइज़ लेवल्स, जब वो मूव कर रही है तो भी जो नॉइज़ लेवल्स हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है। और उसकी शेप भी ऐसी बनाई है, हाइड्रोडायनामिकली उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है ताकि जब वो मूव करे तो पानी को कम से कम रेजिस्टेंस दे, जिससे कहीं पे डिटेक्ट ना हो जाए कि आसपास सबमरीन है। मगर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा साइलेंट सबमरीन होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, उनको मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि देखो, जो अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अगर बहुत ज़्यादा साइलेंट है और बहुत बड़ी नेवीज अराउंड द वर्ल्ड जैसे US, रशिया, वो ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पे फोकस करती हैं। ऐसा नहीं है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स काफ़ी आउटडेटेड हैं, उनकी भी अपनी जगह है। बहुत सारी फेमस नेवीज अराउंड द वर्ल्ड अभी भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स पे फोकस करती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच नेवी, जर्मन नेवी। तो ये अपने आप में काफ़ी एक यूनिक और एडवांस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है और इंडिया को डेफिनेटली एक एज देती है इंडियन ओशन रीजन में। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, और ये सबमरीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है अगर इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में। इंडो पैसिफिक में आपको पता है चाइना बहुत ही अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से इंडिया को एनसर्कल भी कर रहा है, उसमें उसके नेवल बेसिस हैं जिबूती में, हम्बनटोटा में। ऑफकोर्स वो जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो अभी इंस्टॉल नहीं कर सकते, ना सबमरीन्स को डॉक कर सकते हैं, मगर तब भी वो जो हार्बर है वो भी उनके पास है। फिर म्यांमार में सिथवे पोर्ट के करीब चाइना एक पोर्ट बना रहा है। तो ओवरऑल चाइना के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इंडियन ओशन रीजन में, और हमारे जो नेवी के चीफ है उन्होंने रिसेंटली बयान भी दिया था कि ऑन एवरेज 7 से 8 जो चाइनीज सबमरीन्स हैं वो इंडियन ओशन रीजन में आती रहती हैं, और काफ़ी बार उनको डिटेक्ट भी किया जाता है। तो वो ये अपने आप में खतरनाक सिग्नल है, चाइना काफ़ी हद तक अपनी डोमिनेंस बना रहा है इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि ये ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। और इंडिया की वैसे भी आपको पता है बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन है, 7,500 किलोमीटर लंबी। दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाला कंट्री है कनाडा, जिसकी कैपिटल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, इजी क्वेश्चन सब लोग लिखना। तो इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है एक राइजिंग चाइना का, जिसके पास 53 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं, 5 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, हमारे पास बस एक है, और 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये अलग श्रेणी होती है। तो चाइना के पास आराम से करीब 60 के आसपास सबमरीन्स हैं, हमारे पास कितनी हैं? देखो, रिसेंटली अगर हम INS कलवरी, जो पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स थी, उसको हम काउंट करें तो 14 बनती हैं। अभी उसके बाद जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में जो सेकंड सबमरीन और जो थर्ड सबमरीन है करांज, ये अभी टेस्ट से गुजर रही है, और इनको 1 साल लगेगा हमारी नेवी में इंडक्ट करने में प्रॉपरली। तो अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 14 सबमरीन है, और चाइना के पास ऑब्वियसली कई गुना ज़्यादा है। इंडियन नेवी ने प्लान बनाया था कि 2020 या 21 के आसपास इंडिया के पास कम से कम 22 सबमरीन्स होनी चाहिए, ताकि हम चाइना की जो टोटल सबमरीन है उसके 1/3 के आसपास तो खड़े हों, ताकि हम भी कुछ एक यहाँ पे अपना जो हक है उसके बारे में बात कर सकें।
मगर अभी तक ये सबमरीन्स नहीं बनी हैं, बहुत डिलेज हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, और इसी की वजह से अभी भी आपको आपके सामने जो सूरत हाल है, सिर्फ 14 सबमरीन्स हैं हमारे पास, और जो 22 जो ये नंबर है इसको टच करने में हमको कई साल और लग जाएंगे। और ये जो क्रूशल साल हैं इसमें हम बहुत सारा जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इंडियन ओशन रीजन में हम खो रहे हैं। तो ये जो डिले है हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट 75 की वजह से हो रहा है। हमने मेक इन इंडिया करने की कोशिश करी कि सारी सबमरीन्स इंडिया में बनेगी, मगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को एस्टैब्लिश करने में, सब कुछ तैयार करने में काफ़ी टाइम लग गया। हमारे 70,000 करोड़ भी लग गए, मगर तब भी जो टाइम पे सबमरीन्स डिलीवर होनी थी वो नहीं हुई। INS कलवरी को 2012 में नेवी में इंडक्ट किया जाना था, वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया उसको। और अब देख रहे हो जो करांज आ रही है 2018 में आ रही है ये, और अभी भी काफ़ी इसमें टाइम लग जाएगा। खैर, आपको ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा। फ्रांस जो टेक्निक है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की, वो इंडिया को प्रोवाइड कर देगा, और उसके बाद इंडिया खुद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना सकता है। तो वहाँ पे इंडिया को प्रोडक्शन तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी होगी, हमारे पास ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हार्बर्स होंगे जहाँ पे ऐसी सबमरीन्स बनाई जा सकती हैं। तो तब इंडिया को यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और कम से कम चाइना की जो नेवी स्ट्रेंथ है, जो सबमरीन स्ट्रेंथ है एक्चुअली, उसके 50% के करीब इंडिया को डेफिनेटली आना होगा। अब बात करते हैं इस सबमरीन के बारे में। कई जो एस्पेक्ट्स हैं सबमरीन के वो चाइनीज सबमरीन से बेहतर हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छी यहाँ पे बात ये है, इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि चाहे हमारे पास नंबर्स में सबमरीन कम हो, मगर क्वालिटी के हिसाब से वो जो चाइनीज़ सबमरीन्स हैं उनको बीट करती है। ज़्यादातर जो चाइनीज़ सबमरीन्स हैं वो आउटडेटेड हैं, और उनमें इतना ज़्यादा पानी के नीचे जाने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। वेरस INS करांज चाहे तो किसी भी एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को ये चकमा दे सकती है, क्योंकि ये पानी के नीचे 300 मीटर तक जा सकती है। अगर 300 मीटर तक एक सबमरीन पहुंच जाती है तो उसको डिटेक्ट करना सुनार से या किसी एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से एक बहुत ही कठिन कार्य बन जाता है। चाइनीज सबमरीन ज़्यादातर इतना नीचे नहीं जा पाती। उसके अलावा INS करांज अपने साथ 18 टॉर्पीडोज कैरी कर सकती है, जिससे ये एक बहुत ही लीथल सबमरीन बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास संख्या ज़्यादा हो, अगर संख्या कम हो और आपकी सबमरीन में क्वालिटी हो तो एक सबमरीन 3-4 सबमरीन को डुबाने की कैपेसिटी रख सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे इसकी जो टॉर्पीडो ट्यूब्स है, जो एक पाइप सी होती है जिससे टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाता है, उसकी यहाँ पे डायमेंशंस लिखी हुई हैं। और जो टॉर्पीडोज हैं उनका नाम यहाँ पे है 22 सेट 65E और SAET 60 टॉर्पीडोज। ये दो टाइप के टॉर्पीडोज हैं, ये INS करांज इससे लेस होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ इसके नाम के बारे में। जो पहली वेसल ऑफ कोर्स जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में बनी थी वो थी INS कलवरी, और उसके बाद फिर कंधेरी आई। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि जो कंधेरी है ये नाम रखा गया है एक आइलैंड फोर्ट पे जो मराठा फोर्सेस के पास था। आपको ये पता होगा कि जो मराठा एम्पायर था अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको नेवी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पता था, और काफ़ी बार शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का फादर भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने नेवी पे काम करना स्टार्ट किया था। तो वैसे जो कंधेरी का एक मतलब होता है ये टाइगर शार्क भी होता है, मगर साथ ही साथ जो करांज है इसके भी काफ़ी मतलब हैं। करांज पहली बार जो नाम है, जो एक करांजा आइलैंड है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के करीब, एक छोटा सा आइलैंड है मुंबई हार्बर के करीब, उससे ये नाम शायद लिया गया हो। और साथ ही साथ ये एक मराठी शब्द है, इसका नाम होता है चिंगारी। तो दोनों तरीके से इसके जो नाम है ये डिराइव किए जा सकते हैं, यहाँ पे जो आइलैंड है वहाँ से भी शायद लिया गया हो, या फिर जो इसका लिटरल मीनिंग है उससे भी हम इसका नाम ले सकते हैं। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वेबसाइट studyiq.com ज़रूर चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।